अगर आप सेवा क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और साथ में अच्छी कमाई भी करना चाहते हैं, तो ज़ेरियोट्रिक्स केयर गिवर्स बनकर अपनी चाहत पूरी कर सकते हैं। नमस्कार, क्विक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केयर गिवर कैसे बने, हाउ टू बिकम अ केयर गिवर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। इस पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय करता है। इसका मकसद युवक युवतियों को बुजुर्गों की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना है। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। दरअसल बुजुर्गों की सेवा के लिए इस क्षेत्र में दक्ष लोगों की जरूरत को काफी पहले से महसूस किया जा रहा था। इस जरूरत को ध्यान में रखकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने ज़ेरियोट्रिक्स केयर पाठ्यक्रम की शुरुआत की। बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया जाता है। इस पाठ्यक्रम में मूल रूप से विद्यार्थियों को समुदाय के अंदर वृद्ध लोगों की स्थिति, एकल और संयुक्त परिवारों के गुण दोष, सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय, वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय, भावनात्मक स्थिति को समझने, पुनर्वास के अलावा उनकी समस्याओं को निपटाना, उनकी पोषाहार संबंधी जरूरतों की जानकारी रखना और आहार प्रबंधन और मनोविज्ञान के अलावा वृद्धावस्था संबंधी देखभाल के आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी दी जाती है। इस पाठ्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को घर घर जाकर वृद्धों की समस्याओं पर रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। बुजुर्गों की देखभाल संबंधी प्रमुख तौर पर 3 कोर्स चलाए जाते हैं, जिसमें 3 महीने और 6 महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और पीजी डिप्लोमा कोर्स शामिल है। 3 माह का कोर्स खास तौर से समाज सेवी संस्थाओं के लिए है, जो देश में बुजुर्गों की देखभाल और उनके लिए कार्य करती हैं। पीजी डिप्लोमा कोर्स का मुख्य उद्देश्य समर्पित व्यक्तियों की एक टीम तैयार करना होता है। पीजी डिप्लोमा कोर्स में इस क्षेत्र में संबंधित गहन अध्ययन कराया जाता है, जिसमें थ्योरी स्तर, प्रैक्टिकल और परियोजना कार्य के अलावा इंटर्नशिप और सेमिनार प्रस्तुति भी सिखाई जाती है। इन सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। पीजी डिप्लोमा कोर्स में नामांकन के लिए उम्मीदवार सामाजिक कार्यकर्ता, काउंसलर, स्वास्थ्य कर्मी और नर्सिंग के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि 3 महीने और 6 महीने के प्रमाण पत्र कोर्स के लिए उम्मीदवार को मैट्रिक पास होना आवश्यक है। साथ ही उसकी आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार से भी गुजरना पड़ता है। इस क्षेत्र में हाल के दिनों में अपार संभावनाएं उभरी हैं। पीजी डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी किसी सरकारी, गैर सरकारी, कॉरपोरेट क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थाओं में अच्छे पद पर कार्य कर सकता है। इसके अलावा गृह देखभाल कर्ता, उपचार सहायक, शारीरिक चिकित्सा सहायक, परियोजना निदेशक, कार्यक्रम अधिकारी, कल्याण अधिकारी बनकर आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।